हेलो गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास इलेवन पॉलिटिकल साइंस दैट इज नेशनलिज्म सो दिस इज अवर पार्ट वन सो लेट्स बिगिन सो व्हाट इज नेशनलिज्म नेशनलिज्म पहले हम टर्म समझते हैं हम सबने सब ने पैट्रियोटिज्म सुना है कभी पैट्रियोटिज्म नेशनलिज्म को जो हमी में बोलते हैं ना हिंदी में हम नेशनलिज्म को क्या बोलते हैं देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म को पैट्रियोटिज्म मतलब होता है फादरलैंड है ना फादरलैंड तो फादरलैंड के लिए जो हमारे प्रति प्यार है है ना जो हमारे अंदर क्या है मतलब हम इसके लिए डेथ को भी accept, accept कर सकते हैं है ना हम हमारे फ्लैग के लिए कर लेते हैं हम लड़ सकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं नेशनलिज्म अब ये जो पेट्रियटिज्म वर्ड है ये वैसे चैप्टर के एंड में है चीजें मैं आपको लेकिन अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आ गया तो अभी बता देते हैं पैट्रियोटिज्म जो है ये किसने दिया था हमको रविंद्रनाथ टैगोर ने अब क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ने नेशनलिज्म पे क्या बोला तो आपको लिखना है पैट्रियोटिज्म और पैट्रियोटिज्म के बारे में बताना है कि ये टर्म फादरलैंड के लिए यूज की जाती है इसमें हम अपने फ्लैग वगैरह के लिए सब कुछ कर सकते हैं अब आते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब होते हैं कौन कौन से सेपरेटिस्ट मूवमेंट लड़े गए तो क्यू एक कम्युनिटी है ये सारी कम्युनिटीज है कैनेडा की क्यूबिको कम्युनिटी कैनेडा की बास्क्यू स्पेन में लड़ा गया था कुर्ट्स तुर्की और इराक में और तमिल इन श्रीलंका श्रीलंका में हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था कि श्रीलंका में तमिल ने लड़ाई करी अब आते हैं ये एंड में है सेपरेटिस्ट मूवमेंट का बास्क्यू इन स्पेन तो बास्क्यू इन स्पेन में क्या हुआ था एक तो बास्क्यू के अंदर कल्चरल डिफरेंस थे इन लोगों को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस अपने हिसाब से चलाते हैं ये जो तीन सिस्टम है अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहते थे इस वजह से ये लोग कहां स्पेन से अलग होना चाह रहे थे अब आगे चलते हैं पीपल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मेजर अजम्पन अब हम लोग हैं हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक हमारे देश की वजह से तो क्या अजम्पन्स हैं शेयर्ड बिलीफ्स शेयर्ड बिलीव मतलब क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई और रूल है और आपके लिए कोई और रूल हम दोनों के लिए सेम रूल्स है आगे आते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री तो हमारी जो फ्रीडम हिस्ट्री है हमारी जो कल्चरल हिस्ट्री है कल्चरल हिस्ट्री बहुत लोगों की सेम रहती है इसलिए भी जुड़े रहते हैं और फ्रीडम हिस्ट्री तो पूरे इंडिया के लोगों की ही सेम है तो इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं बाकी तीसरे पे आते हैं टेरिटरी हमारी टेरिटरी डिफाइंड है कि ऊपर जम्मू कश्मीर तक नीचे कोस्टल एरिया या वेस्ट में राजस्थान और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तो ये सब हमारा सेट है तो टेरिटरी से हम लोग जुड़े हुए हैं आगे चलते हैं शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स तो हमारे पॉलिटिकल आइडियल्स भी बहुत तरह से सेम हैं जैसे कि महात्मा गांधी है ना भीमराव अंबेडकर जो भी है तो पॉलिटिकल आइडियल्स हमारे सेम हैं आगे चलते हैं कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी कॉमन है हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है मेरी तो ये है कि मैं इंडियन हूँ आपकी भी यही है कि आप इंडियन है तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या रही है सेम रही तो आज हमने क्या पढ़ा नेशनलिज्म नेशनलिज्म पे नेशनलिज्ञ के बारे में पढ़ा पैट्रियोटिज्म समझा क्या होता है किसने दिया समझा सेपरेटिस्ट मूवमेंट पढ़े और मेजर अजमशन पढ़ी जिससे सब लोग जुड़े रहते हैं सो थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू